नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने उन्हें एक ईमेल भेजकर 20 करोड़ रुपए की मांग की है। कहा कि देश के बेस्ट शूटर्स से उनको मरवा देगा। सूत्रों के मुताबिक अंबानी को यह धमकी 27 की शाम को मिली है। ईमेल में लिखा था, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीस वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 383 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी अंबानी और उनके परिवार को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके चलते पिछले साल 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सिक्योरिटी जेड कैटेगरी से जेड प्लस कर दी थी। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी करते हैं। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होता है। 15 अगस्त 2022 को भी मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस के अनुसार रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर धमकी भरे फोन कॉल किए गए। कॉलर ने धमकी देते हुए कहा कि उनके पूरे परिवार को 3 घंटे में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था। इसके बाद 5 अक्टूबर 2022 को रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर अनजान शख्स का 2 बार कॉल आया, जिसमें कॉलर ने अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पहली बार कॉल दोपहर 1 बजे आया और दूसरा कॉल शाम 5 बजे। इसके बाद से अस्पताल और मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस साल 10 जनवरी 2023 को मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि स्कूल के लैंडलाइन पर शाम 4:30 बजे कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने स्कूल में टाइम बम लगाने का दावा किया था। इसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। फरवरी 2021 में एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक SUV बरामद की गई थी, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। इस केस में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे का नाम आया था। अभी NIA इस केस की जांच कर रही है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।